ये बताएगा किस साइड में कितना वेट डालना है। क्या रहता है ये सेंसर ना इसको डिटेक्ट करते हैं। सर ये मशीन की कॉस्टिंग क्या है? 16 लाख रुपीज। तो हेलो गाइस, जैसे हम आपका दोस्त कल कुछ फिर से आ गया ब्लॉग के साथ में। तो आज जाए थे मैं और रोहित भाई दोनों घूमने के लिए। भाई रोहित भाई ब्लॉगिंग कर रहे हमारे, हम जाए थे घूमने के लिए। तो अचानक से याद आया, पापा ने फ़ोन किया कि भाई गाड़ी का एलोमेंट भी करवाने का टायर का। ओके, हुआ हुआ है, बट एक बार आपको दिखा देते भाई एलोमेंट का। आज एकदम यूनिक ब्लॉग दिखाएंगे एलोमेंट का। भाई फिर से हमने एक बार पहले किया था और इतना अच्छे से बना नहीं, जब हम पे नए थे थोड़े। अब की बार दिखाएंगे एलोमेंट का पूरा प्रोसेस, पूरा तो नहीं दिखाएंगे पर हल्का फुल्का दिखाएंगे। तो गाड़ी थोड़ा ना डिसबैलेंस हो रहा है और टायर का भी लिमिट आ गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर हो गया ये टायर को, तो हमने नया डाला है। तो फिर एलोमेंट का दुकान ढूंढते हैं पुराना वाला, उसके बाद जाएंगे वो बढ़िया। ये आ गया शॉप। फाइनली हम शॉप पे पहुंच चुके हैं फिर से, देख सकते हो इधर है ब्रिजस्टोन का, वो है यूकोमा का, और दोनों डीलरशिप पे बस टायर सब मिलते हैं इधर। इधर एसएससी टायर अलाइनमेंट बैलेंसिंग और नाइट्रोजन हवा भी भरते हैं इधर, क्योंकि तो इसको करवाना हो नाइट्रोजन में कन्वर्ट जो कि नॉर्मल हवा से, तो नाइट्रोजन बेनिफिट भी आपको बहुत सारे। और शॉप का नाम है विष्णु इंटरप्राइजेस। तो अभी अपना गाड़ी का हो रहा है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग दोनों, और टायर को निकाले भाई, चारों टायर को निकाल दिया है। दो का तो हो चुका है पहले ही ऑलरेडी, जो आपको दिखाएंगे वीडियो में, बाकी शॉप को देख सकते हो भाई। वो साइड में भी इनका शॉप है थोड़ा, जिसमें टायर वगैरह रखे हुए मतलब मोस्टली, और दो मशीन है जिसका, टायर का एलोमेंट और नाइट्रोजन का मशीन, और टायर को रिम पे चढ़ाने का जो मशीन बोलते हैं उसको नाम पता नहीं मेरे को। सबसे भाई कॉस्टली मशीन और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन बैलेंसिंग और अलाइनमेंट में, इसका नाम है हंटर। अभी भी हमको पता चला अंकल के थ्रू, क्योंकि मशीन कितने लाख का है? 16 लाख का। से भी अकेला मशीन है भाई बैलेंसिंग करने का। पिछली बार आए थे तो मशीन थोड़ा डिफरेंट था, जो कि रिम पे फिट होता था, तो अंकल बोलते थे वो इतना एक्यूरेट नहीं होता था, और ये वाला जो मशीन है वो डायरेक्ट टायर पे फिट होगा, ये जो है ना बैलेंसिंग करने के जो टायर पे फिट होंगे, तो ये मतलब बोलते ना सबसे एक्यूरेट मशीन बोलेंगे ना बैलेंसिंग, और तो ये बोला जाता है, क्योंकि अंकल ने आपको यार अपग्रेड कर लिया है। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, इधर किसी शॉप में ऐसा मशीन देखने को मिलेगा नहीं। और टायर देखिए भाई, भाई नाम भी तो इतना खतरनाक है, हंटर इंजीनियरिंग कंपनी भाई नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो नया भाई। बाकी टायर देखिए भाई, टायर का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, किसी भी टाइम आओगे ना भाई कोई भी टायर मिल जाएगा, पर मोस्टली इनका सबसे बढ़िया ब्रांड ही मिलेगी, ब्रिजस्टोन हो गया, यूकोमा हो गया, ये क्या सब बड़ी बड़ी ब्रांड है। अभी इधर हो रहा है व्हील अलाइनमेंट, ये कौन सा टायर एलिमेंट हो रहा है ना, पूरा टायर एलिमेंट इधर कैसे है कि जो टायर में हल्का सा वेट किधर कम ज़्यादा रहेगा ना, तो उस मशीन से पता चलेगा अपने को। तो ये सब पड़े सब है इधर के पेड़, जितना कम रहेगा उतना वेट डालेंगे। अब ये बताएगा किस साइड में कितना वेट डालना है, वही ना थोड़ा सा तो मेरे को पता है, हमें पता चल गया। एक ही तरफ लगता है। ओके, कितना वेट कम है इसमें, इस साइड में 35। वो पता कैसे चलता है किस साइड डालना है, किधर में डाल देने का, कि इधर अच्छा ऐसा रहेगा, डेस्टिनेशन दिखाएगा। ओके, मुझे लगा भाई मार दो तुक्का, ये भाई ऐसा रहेगा। ओके, अपर साइड दिखाएगा ये, किस सीजन से वेट कम ज़्यादा हो जाता है। ओके, ये हो गया भाई 35 वेट, किससे टेस्टिंग हो रहा है। ओके, क्या 10 को डालना
हो गया जीरो एकदम एक्यूरेसी भाई। हाँ ये बैलेंस होगा, टायर बैलेंस। तो भाई बोल रहे कि 10,000 किलोमीटर चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 70-80,000 किलोमीटर चलते हैं भाई। यूकोमा के टायर सबसे बेस्ट टायर है, जो पिछली बार मेरी गाड़ी में थे ना कंपनी के टायर भाई, बड़े भाई यार टायर थे, 30,000 रुपये धोखा दे दिए थे मेरे को। तो पोजीशन कैसे पता चलता है किधर डालना है, इधर से? अच्छा ये फूल रहेगा, चार लाइन हो जाएगा तब पोजीशन घुमाओगे ना फूल हो जाएगा, मतलब डालने अब की बार 40 मतलब 35 और 5। अपने जो टायर में हवा कौन सा रखना चाहिए, नाइट्रोजन या थर्मल? बेनिफिट होता है, बेनिफिट क्या नाइट्रोजन का होता है? अच्छा वो सर, पिछली बार मैं गांव गया था तो मैं टायर में आई थिंक तो कितना 25% हवा था, ठीक है, जैसे गांव पहुंचा तो 50 हो गया, सादा था। तो हवा बढ़ कैसे गया? बढ़ जाता है ऐसा हवा, नॉर्मल बढ़ता है। ऐसा गर्मी में हवा बढ़ जाता है ना, ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके तो भाई ये भी रिक्स वाला चीज़ है भाई, नाइट्रोजन भरवाए तो पता चला भाई। ये है भाई मशीन, और ये टायर खोलने का मशीन, इसे टायर खोलते हैं भाई पंचर के टाइम पे, और जब यहाँ टायर डालना रहता है तभी। और ये वाला बाकी है नाइट्रोजन का, पता नहीं काम कैसे करता पर है नाइट्रोजन। देखो टायर बंद करने का तरीका देखो, देखो बूढ़े की स्पीड से फाइनली वो टाइम आ चुका है, चारों टायर का बैलेंसिंग हो चुका है, अभी होगा अलाइनमेंट कार का। तो चारों टायर को भी डाल दिया अंदर, इसको लेंगे इसके ऊपर फ्रंट विंग विद, फिर इस मशीन के द्वारा किया जाएगा अलाइनमेंट। चलो इसका ये कर रहा भाई, ये मशीन चार देखना है भाई, कम नॉइस आएगा पीछे से थोड़ा सा, इग्नोर मशीन का नॉइस आ रहा है, पर ये चीज़ देखने लायक है क्योंकि ये चीज़ एकदम यूनिक है भाई, बाकी चीज़ सब देखने को मिलेगा हर शॉप पर आपको, ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। मैनुअली भी चेक किया जाता है, ये तो इस शॉप पे आने की खास चीज़ है भाई, हर चीज़ को डबल चेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये देखो ये चीज़ अलग है पिछली बार से, पिछली बार है ना उसको अलग ही फिट किया गया था, तो अपने को अलग लग रहा है। ये जो क्लैंप दिए इसमें बड़े बड़े दो, ये करता क्या है पता नहीं बट बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो पिछली बार इसको रिम पे फिट किया था, आपकी बार टायर पे फिट किया, समझ रहे हो, इज अ डिफरेंट। ये हंटर का कमाल है, अभी हंटर कुछ नया करेगा, तो मैजिक। हंटर में तो कैमरे भी है भाई, कैमरे ही बोलते हैं ना, लेज़र बोलते हैं, मैं भी कैमरे ही है, लेज़र भी हो सकता है। यहाँ पे अंकल गाड़ी का नंबर डाल रहे हैं और गाड़ी का मॉडल नंबर डालेंगे मे बी, मुझे खुद की गाड़ी का नंबर याद नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है, इसका पावती कट के निकलेगा जो कि मशीन बना के देगा, एक प्रॉपरली प्रिंट आउट बना के देता है। तो इसमें किलोमीटर डालेंगे, अभी किलोमीटर की जरूरत है, हाँ किलोमीटर भी डालेंगे इसमें।
गाड़ी का सिलेक्शन होगा मॉडल नंबर। पहले लेना पड़ेगा इसको, इसके ऊपर क्या रहता है ये सेंसर ना, इसको डिटेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सेंस करेंगे कि कितना एलोमेंट करने का है, तो उसको आगे लेना पड़ेगा। पहले गाड़ी देखो पहले मैनुअली आगे लेंगे, ये चाली कोनों की जरूरत तो है नहीं इसमें, इसलिए मैनुअली कर देगी, पता नहीं रहता कितना आगे लेना है। सेंसर डिटेक्ट कर लिए, डेटा दे दिया इनको, डेटा उधर आएगा पूरा, रोजेदा के फ्रेम में आपको दिखा देंगे हम डेटा को। अभी टायर को मोड़ के देखेंगे, तो आप एक कटिंग का देख रहे हैं कितना कटिंग लेना है गाड़ी का। तो वहाँ पे पीसी में दिखेगा कितना कटिंग लेना है एक्यूरेसी। ये मशीन का खास बात क्या होता है, ये मशीन एमएम में मेजर करती है, समझो एमएम मतलब बहुत माइनर सा फर्क भी रहेगा ना वो भी डिटेक्ट करके यहाँ पे बताएगी, तो मतलब एक्यूरेसी का लेवल बहुत हाई हो गया भाई, क्योंकि एमएम बहुत छोटा चीज़ हो गया भाई। इतना पता छोटा चीज़ हो गया, कितना छोटा था भाई ये सब मुझे भी आइडिया नहीं उस चीज़ से, बट इतना पता एमएम बहुत छोटा होता है। अब यहाँ से इनको सेटिंग करेंगे कितना ये साइड करना है कितना वो साइड करना है। जब ये सेंटर में आ जाएगा ना तब इसका समझो काम हो गया एकदम प्रॉपर, तो नीचे से ये ना कुछ करती है जो क्या बोलते हैं इसको स्टीयरिंग रॉड रहती है उसको टाइट एंड एलाइनमेंट हो रहा है। तो देखो ये एक्यूरेसी दिखाता है, ये एक्यूरेसी सब ग्रीन हो गया मतलब एलाइनमेंट प्रॉपर है, जो कि लेज़र गाइडेड मशीन से होती है। ये भाई लेज़र गाइडेड मशीन है जो कि इसके थ्रू चलती है, जो अपना रोड मापने का मशीन आता है ना रोड नया बनता है तभी ऐसा कुछ रहता है भाई, वो भी मे भी हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, इसका ज्ञान दे रहा हूँ भाई मैं, पर अंकल को पूछेंगे बाद में। तो अंकल ने बोल दिया ग्रीन लाइन दे दिया पूरा, वो भी एमएम में काम हो रहा है। देखो भाई मैं ये बता रहा हूँ एमएम मतलब सबसे छोटी चीज़ उसको भी डिटेक्ट करता है, तो भाई एक्यूरेट तो हो गया भाई, देखो नीचे प्रिंट आउट भी निकल गया बैलेंसिंग का, और क्या चाहिए भाई प्रोफेशनल काम। क्लैंप देखो भाई एक्स्ट्रा क्लैंप, अगर छोटी गाड़ी हो ना तो उसके लिए छोटे क्लैंप, बड़ी हो तो बड़ी क्लैंप, मे बी वही क्लैंप ही है। बाकी हम लोग अब क्या फर्स्ट बार शॉप में आए ना, हम लोग बहुत बार आए हुए मैं रोती शॉप पे, अब की बार आए तो डायरेक्ट पहले हम लोग की नज़र ही मशीन पे पड़ी, बोलते ना जो एकदम नया होता है और कुछ यूनिक रहता ना तो उसमें नज़र चली जाती है भाई, नॉलेज हो या ना हो यूनिक भाई सही है ना भाई पता चल जाता है। अभी हायाबुझा रोड पे बाइक दिखती तो कैसे पता चल जाता है कि महंगी बाइक है, वैसे भाई महंगी चीज़ का पता चली जाता है। तो अपना काम हो चुका है एकदम एक्यूरेट, भैया ने कर लिया है, गए थे नीचे। नेक्स्ट अलाइनमेंट कब कराना पड़ेगा बताएंगे अभी, देखो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट हमारा कब होगा, ये 91 है ना अभी आपको 91 पे होगा, ओके अभी आपको 96 पे आना पड़ेगा अलाइनमेंट के लिए, मैं 6000 के बाद में आना पड़ेगा अलाइनमेंट के लिए, मैं 5000 पे सॉरी 5000 पे माय बैड हाँ सॉरी 5000 91 से 96 सर आपको बैलेंसिंग। टायर की लाइफ कितनी बची है, 5000 और चलेगा, 5000 सही बोल रहे हैं हाँ 5000 और बचा मतलब 5000 पर टायर चेंज होगा, तो वैसे भी अलाइनमेंट हो रहा हो जाएगा अपने अंदर ही। अच्छा बैलेंसिंग मतलब 10000 पे करना रहता है, मतलब 5000 पे टायर चेंज करना भी आ गया, ऑलमोस्ट हमारे टायर मतलब 70 किलोमीटर हो जाएगा, 70,000 किलोमीटर, 70,000 टायर चलाऊँ तो बहुत हो गया यार, रास्ते कितने ख़राब है, रास्ते ख़राब है उस हिसाब से तो बहुत हो गया भाई, वैसे भी ग्रिप तो बहुत अच्छी खासी बची है, 10,000 चल सकता है
पर 5000 पे करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा ऐसा बोल रहे हो, मतलब 10000 तो चलेगा ही। तो गाइज हमारे साथ शॉप के ओनर है अभी, ये बताएंगे अभी तो लेटेस्ट मशीन में लगा है शॉप पे, उनके बारे में हल्का ये बताएंगे डिटेल, क्योंकि पूरा डिटेल तो बता दिया भाई ने, पर ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कब लिया कैसा चल। जो मशीन है ये बेसिकली बहुत हाई एंड कार्स के लिए, और जो बाकी जो गाड़ियाँ हैं उनकी एक्यूरेसी लेवल इस पर बहुत ज़्यादा है, बाकी मशीन जो है वो आपके रिम पे लगती है, उसके क्लैंप होंगे जैसे जिसको हम लोग टारगेट बोलते हैं, तो ये जो लगते हैं ये आपके रिम पे लगते हैं, बट ये लगते डायरेक्टली टायर पे लगता है, तो इससे एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी आती है। अभी इसका भी एडवांस वर्जन के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मशीन अलाइनमेंट ये फाइनल है, बाकी भी चीज़ें बैलेंसिंग मशीन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो वो बैलेंसिंग मशीन में आपको ये बताएगा कि कौन सा टायर किधर बैलेंस करके लगाना है। ओके, तो वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्स टू कैटर न्यू काइंड ऑफ व्हीकल्स व्हिच आर कमिंग इन द मार्केट। और बट अलाइनमेंट में सबसे टॉप एंड यही है जी, अलाइनमेंट के लिए सबसे लास्ट मशीन यही है, तो सबको आता ही नहीं है, बाकी सब 3-3.5-4 लाख की मशीनें आती है, बट इससे एक्यूरेसी लेवल नहीं है। सर ये मशीन की कॉस्टिंग क्या है? ये 16 लाख रुपीज़ जी। और बाकी मार्केट में जो लोग टायर के साथ अलाइनमेंट फ्री देते हैं उनका क्या होता है, मशीन की कॉस्ट और एक्यूरेसी लेवल है, वो सिर्फ फ्री इसीलिए करते रहते हैं, मशीन लगवाते भी कि टायर के साथ फ्री दे रहे हैं, हम चार्ज लेते हैं अलाइनमेंट को बिकॉज हम आपको अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस ये मशीन पर कोई भी अलाइनमेंट फ्री पूरी मार्केट में नहीं, ऑल इंडिया कोई नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि अगर फ्री करना कस्टमर डिलाइट जो है वो अगर दो पैसे लेके अगर कस्टमर खुश हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, फ्री आपको देंगे क्वालिटी मिलना चाहिए, फ्री आपको देंगे बट क्वालिटी नहीं मिलेगी तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप मतलब रिपीट नहीं आओगे। यस सर जी। और मैंने अपने टायर का रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये हम लोग 12 इंच से लेके 20 इंच तक टायर रेडी स्टॉक में रखते हैं। ओके, और हमारे मैं ब्रिस्टोन योकोहामा मिशलिन सीएट जेके का ऑथराइज डीलर हूँ, और हम जो भी करते हैं मतलब कस्टमर का जो वारंटी वगैरह सब कंप्लीट करके रहते हैं, जिससे कस्टमर को ऑल इंडिया कहीं भी ट्रैवल करना है अगर कोई टायर में प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ये इज 100% सिक्योर थ्रू आउट द इंडिया। मेन दिक्कत इधर वही है, बाकी ट्रैवलिंग के टाइम बहुत सारे कस्टमर की प्रॉब्लम है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये चीज़ हमारे में नहीं होगी, बट हम सब ऑनलाइन करके रहते हैं, दे आर ऑल द डीलर्स जो भी बड़े स्टोर जो काम कर रहे हैं दे आर बाइंड विद दिस रूल। यहाँ पे हमारा शॉप है, हम लोग 8 साल हो गए हम लोग को यहाँ पे, एंड हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर से जुड़े हुए हैं, जो हम लोग खुद है एक बार आए तो हम लोग रिटर्न चले जाए, शोरूम को छोड़ के हम लोग पहले इधर ही गाड़ी लेके आते हैं जी, शोरूम पे भरोसा नहीं रह गया। आइए आइए एंड विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो अभी हम अलाइनमेंट करा के निकल चुके हैं, उधर का स्टाफ और ओनर काफ़ी हम्बल है, उनका काम भी काफ़ी प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। कोई चीज़ लगा भाई उधर का देखेंगे ना तो भाई बाकी लोगों का बोलने का तरीका प्लस उनका काम बोलता हूँ उनका भाई, ऐसा बोलेगा कोई बोलता है ना कि भाई मैं अच्छा करता हूँ वो करता हूँ, वो कुछ नहीं है भाई, उनका काम बोलता है इतना परफेक्ट काम ना भाई, हर चीज़। और मशीनरी भाई ऐसी है भाई, एकदम एडवांस मशीनरी है भाई, 16-16 लाख की मशीन रहेगी भाई तो एक्यूरेट तो भाई होगी ना, बाकी लोग 3 लाख का यूज़ कर रहे हैं वो लोग 16 लाख का यूज़ कर रहे हैं, तो फर्क तो दिखेगा भाई, ऐसा बोलता है भाई। अभी गाड़ी भी हमारी लगभग 10 से 15 किलोमीटर चल चुकी है। ओ भाई पता चल रहा है, स्मूथ चल रही है। तेरे को क्या पता चल रहा है? मतलब फर्क कैसे है कि एकदम गाड़ी स्टीयरिंग छोड़ने पे भी ना स्ट्रेट चल रही है, वरना देखो स्टीयरिंग छूटा हुआ है गाड़ी का, हल्का इधर-उधर जाती थी वो नहीं है, वो मतलब कैसा था एलिमेंट नहीं इतना टायर वगैरह और बैलेंसिंग नहीं था, तो गाड़ी ना ऐसा ऐसा मतलब एक साइड में जाती है, वो नहीं हो रहा है भाई, वो फर्क पता चला। प्लस टायर का इन लोग ने हवा ना प्रॉपर रखा है, बाहर हो रहा था वो कैसा करता है पता है क्या, कम भर दिए ज़्यादा भर दिए, इन लोगों मशीन से भरते प्लस नाइट्रोजन रहते हैं, जितना एक्यूरेट जितना इस गाड़ी को इतना चाहिए, 35 चाहिए तो 35 ही भरेंगे, इसको 40 चाहिए तो 40 ही भरेंगे, ये उनको नॉलेज था टायर में कितनी कौन से टायर में कौन सी कितनी हवा भरनी है और कौन सी हवा भरनी है, प्रोफेशनल स्टाफ है उधर का, तो उसके ना भाई उसकी वजह से गाड़ी में एकदम एक्सी पे ऐसा स्मूथ खींच रहा है, ऐसा नहीं कि भाई जोर लगाना पड़ रहा है गाड़ी को, तो बहुत फर्क तो आया। और ये सबसे गाड़ी एवरेज भी बहुत अच्छा देती है। हाँ और ये भी अलाइनमेंट के बाद में तो ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट का तो फर्क पड़ पता ही चल जाएगा भाई। सो बिग थम्स अप टू विष्णु एंटरप्राइज भाई, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट भाई हर चीज भाई, आप सब भी एक बार विजिट कीजिए बहुत अच्छा लगेगा। नाला सपना ब्रांच के प्रवासी विहार के लिए सबसे बेस्ट जगह यही है, प्रवासी विहार क्या भाईंदर मीरा रोड से भी आओगे तो भी आपको करवाड़ेगा, मैं तो बोलूँगा गाड़ी का भाई एक बार 10,000 किलोमीटर एक बार काम है तो भाई 40-50 किलोमीटर चल जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, सही है कि नहीं? प्रोफेशनल काम कराने के लिए करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप गाड़ी की केयर करते हो ना तो आपको जाना चाहिए। मिडल बॉम्बे से भाई सिरामिक प्रो पे लोग आ रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि क्वालिटी है, सिरामिक प्रो वाला काम दूसरे लोग भी करते हैं बट क्वालिटी के लिए कम से कम 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहे हैं ना,
क्योंकि उनको चीज़ मिल रही है, तो भाई कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आ सकते हो और सिर्फ बेस्ट चीज़ मिलेगी भाई, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। विष्णु एंटरप्राइज। तो भाई उधर से हम लोग को एक मिला है, क्या बोलते हैं इसको, एनवलप मिला है, उसमें इन लोग का क्या है, ओहो भाई इसका डेटा भी है भाई, किसको दिखाना हो ना हमारा गाड़ी में क्या क्या हुआ है वो सब लिख के बताया, राइट लेफ्ट टायर का, राइट टायर का, फ्रंट का, सब कुछ लिखा हुआ है, रियर का, रियर एकदम डिटेल बैलेंस पूरा डिटेल, पहले क्या था फिर इन्होंने बैलेंसिंग करी कितना किया तो वो सब एक्यूरेट कर दिया इन लोगों ने, वो जो ना एमएम में देखो मतलब गाड़ी का नाम और ये इनका एड्रेस देख सकते हो, ये विष्णु इंटरप्राइजेस सातेवली रोड वसई ईस्ट, ये अपना गाड़ी का नंबर, ये रख किलोमीटर, टेक्नीशियन का नाम, टेक्नीशियन का नाम हो गया, गाड़ी का मॉडल नंबर हो गया, सब कुछ डिटेल है भाई, तो ये चीज़ हमको बढ़िया लगी। तो भाई नेक्स्ट टाइम भी अपना तो उधर ही रहेगा, आप भी जाइए उधर, और फिलहाल के लिए करते हैं ब्लॉग एंड। जय श्री राम। जय श्री राम।